हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पिछले भात की पिछले गत वर्षों की भात इस वर्ष भी हम लोगों का 30% का सिलेबस कटा हुआ है, तो हम लोग 30% के सिलेबस को कट करके अपने सिलेबस को अध्ययन करेंगे तथा आगामी परीक्षा के पूर्व ही में अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। और मेरा नाम सचिन है, आज से मैं आप लोगों को क्लास 12th का बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों के बिना समय को गवाए हुए आइए हम लोग आपके पाठ्यक्रम के बारे में बताते हैं। तो यह जो अपना पहला पाठ्यक्रम है जीवों में जनन, यह तो अपने सिलेबस से पूर्ण रूप से कट चुका है, तो इससे हम लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। तो आइए हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गुरु बीजाणुधान, लव बीजाणुधान, पुंक केसर, स्त्री केसर, परागकण इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो अपने लोगों का तीसरा चैप्टर है वह है मानव जनन, कि मानव में जनन कैसे होता है, नर जननांग, मादा जननांग इत्यादि के बारे में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करेंगे। और जो हम लोगों का चौथा टॉपिक है वह है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में जो हम लोगों के अंदर मैथुन की क्रिया से जो रोग होते हैं, जो विकार होते हैं, उनके विकारों के बारे में तथा उनके निवारण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें हम लोग डीएनए, आरएनए तथा वंशागति जो लक्षण चलते हैं एक जिन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तथा इसके बाद आ जाता है विकास। ये चैप्टर तो हमारे सिलेबस से कट गया है, तो इसलिए हम लोगों को इस पर फोकस नहीं करना है। फिर अगला चैप्टर है हम लोगों का मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें हम जनन से होने वाले रोग तथा उसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अगला चैप्टर है हम लोगों का खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियाँ। इसमें ये चैप्टर तो हम लोगों के सिलेबस से कट गया है, तो इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, ये लोग हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे तथा इनके द्वारा वैक्सीन तथा तमाम प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है, इसके द्वारा इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। फिर इसके बाद हम लोगों का जो अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। यह जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम यह हमारे चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। मान लीजिए इसमें एग्जाम बहुत इस पार्ट से क्वेश्चन में एग्जाम बहुत पूछता है। हम लोग इसके बारे में जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रम यह जो है इसके बारे में हम लोग डीएनए, आरएनए तथा उनके अनुक्रम बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। ये दोनों चैप्टर लगभग एक दूसरे से कम्बिनेशन करते हैं, तो जो हम लोगों का इसमें पढ़ना है उसमें उसके बारे में पढ़ना है तथा उसमें उसके प्रयोग के बारे में पढ़ना है। और अगला चैप्टर है हम लोगों का जीव और समष्टियाँ। इस पर जीवों के बारे में तथा कुछ प्रकार के जीवों के बारे में तथा कुछ प्रकार के जो फंजाई, कवक इत्यादि चीज़ें हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद अब अगला चैप्टर हम लोगों का पारितंत्र है, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय था, टॉपिक था, लेकिन यह हम लोगों के सिलेबस से कट गया है, तो अब हम लोग इसे पढ़ेंगे नहीं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखते हैं। जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें हम लोग जीवों की विविधताएँ एवं तथा उनके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे तथा टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते रहेंगे। और जो अंतिम हम लोगों का चैप्टर है वह है पर्यावरण के मुद्दे। जो पर्यावरण मतलब जो दूषित तो हो रहा है उसे बचाव के लिए तमाम प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी ये आप लोगों का सिलेबस ओवरव्यू हो गया है, तो अब हम आप लोगों के पार्ट दो का स्टार्ट करें। अगर आप लोगों को टॉप 10 क्लासेज की वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह हम लोगों का जो एम है बिना पैसे का आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ाना, यह हम लोग आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक देते रहेंगे। और आप लोग थोड़ा हम लोगों का सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।